हाँ देखो बेटा, करें इस क्वेश्चन को। सर्किट डायग्राम क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो एक्चुअल में सही तरीका ये होता है कि हमको ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट करना है। तो ए को जोड़ दिया हमने किससे? बैटरी के प्लस से। बी को किससे? बैटरी के माइनस से। तो जनरली क्वेश्चंस में बैटरी बनी नहीं रहती है, जबकि एक्चुअल में सही तरीका वही है कि जहां आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में हमको बैटरी कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, डायग्राम में बैटरी वगैरह बनी नहीं रहती। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमको फाइंड करना था, एक। दूसरा क्या फाइंड करना था? टोटल चार्ज फ्लोज इन सर्किट थ्रू द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, टोटल चार्ज फ्लोज इन सर्किट थ्रू द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो इस सर्किट डायग्राम में पहले तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करें। पहले हम क्या फाइंड करें? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो सर्किट डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ये तीनों कैपेसिटर किसमें कनेक्ट हैं? देखो सीरीज में, किसमें कनेक्ट है? सीरीज में तीन है ना, और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है भाई। तीन कंडेंसर सीरीज में और सेम, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? सी बाई थ्री। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सी बाई थ्री। तो C की वैल्यू कितना है? 60 बाई थ्री यानी कितना? 20 माइक्रोफेरड। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 माइक्रोफेरड। तो अब हम यहां एक कंडेंसर बनाएंगे बस, कितने माइक्रोफेरड वाला? 20 माइक्रोफेरड का। कितने वाला? 20 माइक्रोफेरड वाला बस। ठीक है, अब यहां देखो जरा, 10 माइक्रोफेरड और 10 माइक्रोफेरड ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं? ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं? पैरेलल में। ये किसमें कनेक्ट हैं? पैरेलल में। तो 10 और 10 का पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोफेरड। तो यहां दो कंडेंसर की जगह हम एक कंडेंसर बनाएं 20 माइक्रोफेरड का। कितने का? 20 माइक्रोफेरड का। ठीक है, अब देखो आप, तो ए और बी के बीच में ध्यान देना, अब ये दो बचे, तो ये दोनों एक्चुअल में किसमें हैं? पैरेलल में। किसमें हैं? पैरेलल में। तो 20 और 20 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 40 माइक्रोफेरड। कितना होगा? 40 माइक्रोफेरड। तो यहां अब दो कंडेंसर की जगह हम एक बनाएंगे, कितने वाला? 40 माइक्रोफेरड वाला। कितने वाला? 40 माइक्रोफेरड का। अब ये पॉइंट बी आप यहां मान लो, और ए और बी के बीच में क्या लगी है? बैटरी 100 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है? 100 वोल्ट की। तो अब देखो आंसर तो समझ में आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? पहला आंसर, दोनों किसमें हैं? सीरीज में। दो कंडेंसर अगर सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या डायरेक्ट अगर हम कर लें, सी इज इक्वल टू C1 C2 / C1 + C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 C2 / C1 + C2। कितना आएगा? देखो यहां आ गया आपका 80, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 40 × 40 / 80। ठीक,
ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये होगा 20 माइक्रोफेरड। एक आंसर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 20 माइक्रोफेरड, एक आंसर आ गया। दूसरा हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, टोटल चार्ज फ्लोज इन सर्किट थ्रू द बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, टोटल चार्ज हमको निकालना है। तो टोटल चार्ज मतलब टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रो फेरड, वोल्ट कितना है 100, तो टोटल चार्ज एक्चुअल में कितना आएगा, कितना आ जाएगा 2000 माइक्रो कूलम, 2000 माइक्रो कूलम, ये होगा आंसर। दोनों आंसर निकल गए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, टोटल चार्ज फ्लोस फ्रॉम बैटरी निकल गया, ठीक है। चलो और देख लें सिंपल, ठीक है देखते हैं, चलो इसी टाइप से एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। देखो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये कैपेसिटर है 9 माइक्रोफेरड, 9 माइक्रोफेरड, ठीक है। अब इसके बाद में 6 और 6 के दो हैं, यहां है 6 माइक्रोफेरड और यहां 6 माइक्रोफेरड, ठीक है ना, ये कितना 6 माइक्रोफेरड, ये भी कितना 6 माइक्रोफेरड, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो बन जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सही मायने में क्या करना चाहिए भाई, ए और बी के बीच में हमको बैटरी जोड़ना चाहिए, लेकिन जनरली सॉल्व करते समय हम बैटरी वगैरह नहीं लगाते हैं, जरूरत नहीं है अपने को, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो जब ऐसे सर्किट वाले क्वेश्चंस रहते हैं तो हम थोड़ा सा दूर वाली ब्रांचेस को पहले सॉल्व करें, है ना, दूर की जो ब्रांच है पहले उसको हम सॉल्व करें। तो थोड़ा ध्यान से अगर इस डायग्राम को आप देखो तो कुछ तो आपको समझ में आएगा भाई इसमें, कि पहले हम किसका इक्विवेलेंट निकाल लें। ध्यान दो, ये जो तीन कंडेंसर आपको दिख रहे हैं 9 माइक्रोफेरड, ये तीनों कैपेसिटर किसमें कनेक्ट हैं, देखो सीरीज में, किसमें कनेक्ट है ये सीरीज में। तो बताओ इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, तीन कंडेंसर है सीरीज में सेम, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या C/3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा C/3, सी मतलब 9 माइक्रोफेरड, तो 9/3 कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरड, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा 3 माइक्रोफेरड। तो अब नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा उसमें इन तीनों को हटा के आप एक कंडेंसर बनाओ, बस इन तीनों की जगह हमने एक कंडेंसर शो करें, कितने माइक्रोफेरड वाला 3 माइक्रोफेरड वाला। अब आप देखो
ये दोनों किस में कनेक्ट हैं? देखो सीरीज में है कि पैरेलल, भाई दोनों की फर्स्ट प्लेट एक साथ, सेकंड प्लेट एक साथ, इसका मतलब ये दोनों किस में है? पैरेलल में। किस में है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सम के इक्वल 6+3 मतलब 9 माइक्रोफैरड। 6+3 यानी कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैरड। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट डायग्राम जो बनाओगे उसमें यहां दो कंडेंसर की जगह एक ही बनाओ, दो कंडेंसर की जगह हम एक कंडेंसर शो करें, कितने माइक्रोफैरड का? 9 माइक्रोफैरड का। ठीक है, अब देखो फिर से वही चैन रिपीट हो रही है। देखो 9, 9 और 9, तो ये तीनों एक्चुअल में किसमें हैं? देखो किसमें आ गए? ये सीरीज में है ना, 9, 9 और 9 किसमें हैं? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C/3, सी मतलब 9, 9/3 मतलब 3 माइक्रोफेरड। तो अब नेक्स्ट जो डायग्राम होगा उसमें यहां तीन कंडेंसर की जगह हम एक कंडेंसर शो करेंगे, कितने माइक्रोफेरड वाला? 3 माइक्रोफेरड वाला। कितने माइक्रोफेरड का? 3 माइक्रोफेरड का। अब देखो ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में। किसमें आ गए? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 9 माइक्रोफेरड। तो यहां दो कंडेंसर की जगह अब हम एक बनाएंगे, कितने का? 9 माइक्रोफेरड का। कितने का बनाएंगे? 9 माइक्रोफेरड का। देखो फिर से वही रिपीट हो गया, 9, 9 और 9 ए और बी के बीच में किसमें है? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? C/3। C/3 मतलब 9/3। क्या आ जाएगा आंसर? 3 माइक्रोफेरड। ये आंसर हो गया आपका। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरड। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो डायग्राम मैं बना रहा हूं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। Find the equivalent capacitance between A and B. Capacitance of all the capacitor is same. देखो सिंपल है, बन जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सिंपल है, सिंपल एकदम। ठीक, सर्किट को और बढ़ा सकते थे इसको, तो सॉल्व आप कर सकते हो। देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको क्या जोड़ना है? बैटरी। ठीक है, चलो यहां देखें अपन पहली ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच कहां कनेक्ट है? ए और बी के बीच में। कैपेसिटेंस कितना है? सी। सेकेंड ब्रांच, तो उसमें दो कंडेंसर है और दोनों किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में।
किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 2C, पैरेलल में है ना, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 2C। तो एक ही कंडेंसर हम शो करें कैपेसिटेंस कितना 2C। यहां देखो थर्ड ब्रांच, तो थर्ड ब्रांच में तीन कंडेंसर हैं, लेकिन तीनों किसमें हैं, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा 3C। ठीक, नाउ दीज ब्रांचेस आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, नाउ दीज ब्रांचेस आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से आप देखो भाई, ये ब्रांच कहां कनेक्ट है ए और बी के बीच में, ये ब्रांच कहां कनेक्ट है ए और बी के बीच में, ये भी कहां कनेक्ट है ए और बी के बीच में, इसका मतलब ये तीनों किसमें, पैरेलल, किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सम के इक्वल, सी प्लस टू सी प्लस थ्री सी, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा 6C आएगा। ठीक, अगर मान लो यहां फोर्थ ब्रांच शो करते तो फोर्थ ब्रांच में कितने कैपेसिटर, 4। फोर्थ ब्रांच में कितने कैपेसिटर होते, 4, और चारों पैरेलल में। फिफ्थ ब्रांच में कितने होते, 5 कंडेंसर, और पांचों पैरेलल में, पांचों किसमें, पैरेलल में। ठीक, तो इसमें अगर थोड़ा ध्यान से हम देखें भाई, 4 ब्रांच भी हो सकती है, 5 ब्रांच भी हो सकती है, जो भी हो। ठीक, तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर डायरेक्ट हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कैसे, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 सी। ठीक है, यहां n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस, n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस यहां कितना है, 3। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितना, 3। तो सॉल्व करो जरा, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, एन की वैल्यू कितना है, 3, 3 प्लस 1 मतलब 4 बाई 2 और सी, तो कितना आ गया देखो, 6C, डायरेक्ट आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर ही आ गया। ठीक, मतलब ये पैटर्न अगर है तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू सी। एन मीन्स क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ ब्रांचेस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच एक ही कंडेंसर, सेकेंड ब्रांच तो दो कंडेंसर, दोनों का कैपेसिटेंस सी, पैरेलल, थर्ड ब्रांच तीन कंडेंसर, तीनों पैरेलल में, फोर्थ ब्रांच अगर शो करते तो 4 कंडेंसर, चारों पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी सिंपली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एन का मतलब क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो मैं डायग्राम बना रहा हूं, कोशिश आप करना, ठीक है ना, देखते हैं।
फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर इज सेम सी। कोशिश करके देखो, कोशिश करके देखें भाई क्या दिख रहा है डायग्राम में, देखो थोड़ा सा। ठीक, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ध्यान से सुनो। अच्छा इधर भाई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब बैटरी कहां कनेक्ट करना है हमको, ए और बी के बीच में। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच एक ही कंडेंसर है, कैपेसिटेंस कितना सी। सेकेंड ब्रांच में आप देखो कितने कंडेंसर हैं, दो, लेकिन दोनों किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज, किसमें कनेक्ट हैं, सीरीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी बाई टू। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, सी बाई टू। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं एक ही कंडेंसर बना रहा हूं जिसका कैपेसिटेंस कितना, सी बाई टू। अब देखो थर्ड ब्रांच में आप देखो, एक चीज ध्यान रखना, लेकिन फर्स्ट ब्रांच में एक कंडेंसर, सेकंड ब्रांच में दो, थर्ड ब्रांच में चार, मतलब डबल होते जा रहे हैं, वन टू फोर। नेक्स्ट ब्रांच अगर यहां शो करता तो उसमें कितने कैपेसिटर होते, एट, कितने होते, एट, डबल होते जा रहे हैं, वन टू फोर एट सिक्सटीन, इस टाइप से अप टू इनफाइनाइट ब्रांचेस, अप टू इनफाइनाइट ब्रांचेस। ठीक, थर्ड ब्रांच में देखो चार कंडेंसर हैं, थर्ड ब्रांच में चार कंडेंसर हैं, चारों का कैपेसिटेंस सेम है सीरीज में, चारों का कैपेसिटेंस सेम है सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या, सी बाई फोर, क्या हो जाएगा, सी बाई फोर अप टू इनफाइनाइट। ठीक, अब चलो थोड़ा ध्यान से देखो, ये ब्रांच कहां कनेक्ट है, ए और बी के बीच में, ये ब्रांच भी कहां कनेक्ट है, ए और बी के बीच में, ये ब्रांच भी कहां कनेक्ट है, ए और बी के बीच में। इसका मतलब दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पैरेलल में है ना, ठीक, ये सारे कैपेसिटर अब ए और बी के बीच में किसमें हैं, पैरेलल में, सबकी फर्स्ट प्लेट ए पर, सबकी सेकंड प्लेट बी पर। तो ये सारे कैपेसिटर्स अब किसमें हैं, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी सम के इक्वल, तो क्या होगा देखो, सी प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई फोर प्लस सी बाई एट अप टू इन्फिनिटी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सी कॉमन आ जाएगा, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई एट अप टू इन्फिनिटी। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक भाई, ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए भाई, बिना मैथ्स के फिजिक्स संभव नहीं है ना, बिना मैथ्स के फिजिक्स संभव थोड़ी है, तो थोड़ा बहुत तो मैथ्स आपसे बनना चाहिए। देखो आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी सी, क्या दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिख रहा है। तो इसका सम क्या होता है,
इसका सम क्या होता है? याद होगा 11 में पढ़े होगे एपीजीपी, ए अपॉन वन माइनस आर होता है। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी कितना? वन अपॉन वन माइनस आर का मतलब कॉमन रेशो, आर का मतलब कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो मतलब इसमें इसको डिवाइड करो, इसमें इसको डिवाइड करो, जो भी, तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी देखो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो ना, तो कितना आ जाएगा? 2C। ये आंसर है, सिंपल है, थोड़ा सा मैथ्स का यूज हुआ बस, ठीक है, देख लो आप। कैपेसिटेंस वाली यूनिट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अभी हम इसमें क्वेश्चंस और करेंगे, है ना, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग आपका ये खत्म, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन भी कर लेना, कॉपी कंप्लीट, कॉपी कंप्लीट, ठीक। फिर जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे, क्लासरूम, तो कॉपी चेक होगी आपकी, ठीक।